दोस्तों ओमान का वीजा को अगर आप पासपोर्ट नंबर से चेक करना चाहते हैं तो क्या आप पासपोर्ट नंबर से ओमान का वीजा को चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं कि जो हमारे पास कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि भाई हम अपने पासपोर्ट नंबर से ओमान का वीजा को चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत ऐसे भी लोग हैं कि जो लोग कुवैत का वीजा को चेक करना चाहते हैं पासपोर्ट नंबर से, इराक का वीजा चेक करना चाहते हैं पासपोर्ट नंबर से। तो आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि कौन से देश का वीजा आप लोग पासपोर्ट नंबर से आसानी से चेक कर सकते हैं और कौन से देश का पासपोर्ट नंबर से नहीं कर सकते हैं चेक। जैसे आपको मालूम है मेरे भाई कि अगर आपके पास दुबई का वीजा है या कतर का वीजा है, सऊदी अरब का वीजा है, तो इस देश का वीजा अगर आपके पास है या नहीं भी है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि हमारे पासपोर्ट नंबर से कोई वीजा जारी हुआ है या नहीं हुआ है, तो बहुत आसानी से आप लोग चेक कर सकते हैं। अब रही बात की अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं ओमान का वीजा को, तो नहीं कर सकते मेरे भाई, पासपोर्ट नंबर से सिर्फ नहीं कर सकते हैं। कुवैत का वीजा को भी अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं पासपोर्ट नंबर से, तो नहीं कर सकते हैं। बहुत ऐसा देश है कि जिस देश को वीजा को आप चेक करना चाहते हैं तो उसी देश का वेबसाइट पे होता है, उस देश का जो वेबसाइट रहता है, लीगल वेबसाइट रहता है, उसी वेबसाइट से होता है। और हर देश का ऐसा वेबसाइट को डिजाइन नहीं किया गया है कि सिर्फ आप पासपोर्ट नंबर से चेक कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुवैत का वीजा को लोग करना चाहते हैं, ओमान का वीजा को करना चाहते हैं, और भी बहुत तरह का देश है जिस देश का वीजा को लोग चाहते हैं कि पासपोर्ट नंबर से हम चेक कर सके, तो नहीं हो पाता है। तो उसी तरीके से आप लोग मतलब ज़्यादा यूट्यूब पर जाकर वीडियो देखेंगे, बहुत सारे कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग बताएंगे कि आ जाइए हम ओमान का वीजा को चेक करके बताते हैं या कुवैत का वीजा चेक करके बताते हैं पासपोर्ट नंबर से। तो उन लोगों के चक्कर में आप लोग मत रहिए। सीधा बात है मेरे भाई कि दुबई, कतर एंड सऊदी अरब का वीजा को आप लोग बहुत सिंपल तरीके से पासपोर्ट नंबर से चेक कर सकते हैं। बाकी जो भी देश है तो उस देश को वीजा को चेक करने के लिए, जैसे कि ओमान हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया या मालदीप हो गया, ये सब जितने भी देश है इसको चेक करने के लिए जरूर रेफरेंस नंबर या वीजा नंबर की जरूरत पड़ता है, उसके बाद ही आप लोग चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे YouTube चैनल पे हमेशा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आता है जिसमें हम बताने का पूरा कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी एजेंट, कोई भी ऑफिस वाले अगर आपको जॉब ऑफर लेटर दिया है तो उस जॉब ऑफर लेटर को कैसे आप चेक करेंगे, वीजा को कैसे चेक करेंगे, फ्लाइट का टिकट को कैसे चेक करेंगे, बोर्डिंग पास कैसे ऑनलाइन निकालेंगे, इमिग्रेशन पेपर कैसे चेक करेंगे, और भी बहुत तरह का तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे YouTube चैनल पे हमेशा आता रहता है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जाकर जितना हो सके आप लोग शेयर करें दोस्तों के पास, उन लोगों को भी पता चल जाए कि भाई कौन कौन से देश का वीजा को आप लोग पासपोर्ट नंबर से चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।